हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन फोर्ड लर्निंग और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आईसीआईसी कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास सिक्स का सॉल्यूशन वीडियो फ्रॉम सेलीना पब्लिकेशन जिसका थीम थ्री चैप्टर फिफ्टीन फ्रेमिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की एक्सरसाइज फिफ्टीन बी आज हम सॉल्व करेंगे दिस इज टोटली बेस्ड ऑन सब्सटीट्यूशन तो यहाँ पर आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो गिवन है उसमें जितने भी अल्फाबेट्स गिवन हैं मतलब एल्जेब्रा के लिटरल्स गिवन हैं उनकी वैल्यूज आपको प्रोवाइडेड होगी और वहां से आपको वैल्यूज पुट करके उस एक्सप्रेशन में आपको वैल्यू फाइंड करनी होगी सो so, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन के साथ फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स जेड इज इक्वल टू एटीन ए इज इक्वल टू टू बी इज इक्वल टू एट सी इज इक्वल टू थर्टी टू एंड डी इज इक्वल टू जीरो तो so, यहां पर आपको x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है x की वैल्यू है थ्री y की वैल्यू है सिक्स सो थ्री प्लस सिक्स इज गोइंग टू बी नाइन सिमिलरली y माइनस एक्स फाइंड करना है y है सिक्स x की वैल्यू है थ्री सो सिक्स माइनस थ्री इज थ्री y अपॉन एक्स मतलब सिक्स अपॉन थ्री सो ये कट जाएगा टू टाइम्स सो इट विल बी टू ऐसे ही C डिवाइडेड बाय B, C की वैल्यू है 32 डिवाइडेड बाय B की वैल्यू है 8, तो हम यहां लिख सकते हैं 32 टू बाय एट एट के टेबल में एट फोर ज थर्टी टू होता है सो आंसर इज फोर Z डिवाइडेड बाय X, Z की वैल्यू है 18, डिवाइडेड बाय X, X की वैल्यू है थ्री सो एटीन अपॉन थ्री अगर हम करते हैं थ्री सिक्स जटीन होता है सो इट इज सिक्स नेक्स्ट इज वाई इंटू डी वाई की वैल्यू है सिक्स और डी की वैल्यू है जीरो सो so कोई भी नंबर अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं वीगेट जीरो नेक्स्ट इज डी डिवाइडेड बाई एक्स डी की वैल्यू जीरो है डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू है थ्री सो जीरो डिवाइडेड बाई थ्री वीगेट जीरो नेक्स्ट इज ए बी प्लस वाई ए की वैल्यू है टू बी की वैल्यू है एट ए इंटू एट हो जाएगा प्लस वाई की वैल्यू है सिक्स सो हि ए बी का मतलब है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन सो एट टू जिक्सटीन प्लस सिक्स विल गिव सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व प्लस वन कैरी ओवर सो इट इज ट्वेंटी टू नेक्स्ट इज ए प्लस बी प्लस एक्स ए की वैल्यू है टू b की वैल्यू है एट x की वैल्यू है थ्री सो एट प्लस टू इज टेन प्लस थ्री इज थर्टीन नेक्स्ट इज b प्लस जेड माइनस डी बी इज एट जेड हमारे पास है एटीन माइनस डी है हमारे पास जीरो सो एट प्लस एटीन एट प्लस एट इज सिक्सटीन वन कैरी ओवर सो इट इज ट्वेंटी सिक्स नेक्स्ट इज a माइनस बी प्लस वाई ए की वैल्यू है टू b की वैल्यू है एट एंड y की वैल्यू है सिक्स ओके सो टू माइनस एट इज माइनस सिक्स और हमारे पास बचा है प्लस सिक्स माइनस सिक्स प्लस सिक्स विल गिव जीरो z माइनस ए माइनस पी जेड इज एटीन माइनस टू माइनस एट सो एटीन माइनस टू इज प्लस सिक्सटीन माइनस एट सो सिक्सटीन माइनस एट इज अगेन एट d माइनस ए प्लस एक्स डी की वैल्यू है जीरो माइनस ए दैट इज टू प्लस थ्री सो जीरो माइनस टू विल गिव माइनस टू और इसमें हम प्लस थ्री कर देंगे सो माइनस टू प्लस थ्री सो हमारे पास जो बड़ा वैल्यू है दैट इज थ्री सो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा और ये हम माइनस कर देंगे सो विल गेट प्लस वन एज द आंसर एक्स वाई माइनस बी डी एक्स की वैल्यू है थ्री y की वैल्यू है सिक्स माइनस बी की वैल्यू है एट डी इज जीरो सो थ्री सिक्स जटीन माइनस एट जीरो इज जीरो सो एटीन माइनस जीरो इज एटीन एक्स जेड प्लस सी डी एक्स की वैल्यू है थ्री जेड की वैल्यू है एटीन प्लस सी की वैल्यू है थर्टी टू और डी की वैल्यू है जीरो सो एटीन इंटू थ्री फिफ्टी फोर प्लस जीरो विल गिव फिफ्टी फोर सो योर आंसर इज फिफ्टी फोर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी प्लस टू क्यू प्लस थ्री आर वेन पी इज इक्वल टू थ्री क्यू इज इक्वल टू फाइव एंड आर इज इक्वल टू टू तो यहां पर आपको वैल्यू गिवन है और ये जो वैल्यूज हैं पी क्यू आर ये हम इसमें सब्सिट्यूट करेंगे सो P की वैल्यू है वन प्लस टू की वैल्यू है फाइव प्लस थ्री आर की वैल्यू है टू मैं इन टू ना लगा के ब्रैकेट इसलिए यूज कर रही हूँ कभी हमारी अगर निगेटिव वैल्यू हुई तो हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी सो so, यहां पर आ जाएगा वन प्लस फाइव टू इज टेन प्लस थ्री टू इज सिक्स सो वन प्लस टेन इज इलेवन प्लस सिक्स इज सेवनटीन नेक्स्ट इज टू ए प्लस फोर बी प्लस फाइव सी वन ए इज इक्वल टू फाइव बी इज इक्वल टू टेन एंड सी इज इक्वल टू ट्वेंटी सो टू फाइव फाइव प्लस प्लस फोर टेन ट्वेंटी सो फाइव टू टेन प्लस फोर टेन फोर्टी प्लस इन टू ट्वेंटी इज हंड्रेड सो यहां पर आप ऐड करेंगे सो टेन प्लस फोर्टी इज वन सॉरी फिफ्टी एंड फिफ्टी प्लस हंड्रेड इज वन हंड्रेड एंड फिफ्टी नेक्स्ट थ्री ए माइनस टू बी वेन ए इज इक्वल टू एट एंड बी इज इक्वल टू टेन So 3 into 8 minus 2 into 10. 8 3's is 24 minus 20. So here we minus minus. So 24 minus 20 is 4. Next is 5x plus 3y minus 6z. When x is equal to 3, y is equal to 5 and z is equal to 4. So 5 into 3 plus 3 into 5. माइनस सिक्स इंटू फोर फाइव थ्री जिफ्टीन एंड थ्री फाइव इज अगेन फिफ्टीन माइनस सिक्स फोर ज्वेंटी फोर तो यहां पर फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन इज थर्टी माइनस ट्वेंटी फोर सो थर्टी बड़ा है तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा और हम करेंगे सब्ट्रैक्शन सो दैट विल बी सिक्स सो योर आंसर इज सिक्स नेक्स्ट इज टू पी माइनस थ्री क्यू प्लस फोर आर माइनस एट वेन पी इज इक्वल टू टेन क्यू इज इक्वल टू एट आर इज इक्वल टू सिक्स एंड एस इज इक्वल टू टू सो यहां पर हम टू इंटू टेन माइनस थ्री इंटू एट प्लस फोर इंटू सिक्स माइनस एट इंटू टू सो टू इंटू टेन इज ट्वेंटी एट थ्री जाइज ट्वेंटी फोर सिक्स फोर जायज अगेन ट्वेंटी फोर माइनस सिक्सटीन तो अब यहां देख सकते हैं ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी फोर इज माइनस फोर क्योंकि ये 24 बड़ा है प्लस ट्वेंटी फोर माइनस सिक्सटीन अब हम माइनस फोर और प्लस ट्वेंटी फोर को सॉल्व करेंगे तो ट्वेंटी फोर बड़ा है तो प्लस साइन आएगा सो वील गेट ट्वेंटी माइनस सिक्सटीन अब ट्वेंटी में से माइनस सिक्सटीन करेंगे तो ट्वेंटी बड़ा है तो और माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फोर सो योर आंसर इज फोर नेक्स्ट सिक्स एम माइनस टू एन माइनस फाइव पी माइनस थ्री क्यू एन एम इज इक्वल टू ट्वेंटी एन इज इक्वल टू टेन पी इज इक्वल टू टू एन क्यू इज इक्वल टू नाइन सो यहां पर सिक्स इंटू ट्वेंटी माइनस टू इंटू टेन माइनस फाइव इंटू टू माइनस थ्री इंटू नाइन सो ये आ जाएगा आपके पास वन ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी माइनस टेन माइनस नाइन थ्री इजाइज ट्वेंटी सेवन तो अब हम यहां देख सकते हैं एक पॉजिटिव है बाकी सारे निगेटिव है तो मैं ये नेगेटिव टर्म सारे इकट्ठे एड कर दूंगी बिकॉज निगेटिव साइन मीन्स वी नीड टू एड सारे के सारे निगेटिव साइन सेम साइन वी एड सो वन ट्वेंटी मैंने एज इट इज लिख लिया है माइनस साइन आ जाएगा इन सबको एड करने के बाद सो ट्वेंटी प्लस टेन इज थर्टी एंड थर्टी प्लस ट्वेंटी सेवन इज फिफ्टी सेवन सो अब हमारे पास बड़ा है वन ट्वेंटी अब वन ट्वेंटी में से हम फिफ्टी सेवन माइनस करेंगे वन ट्वेंटी से फिफ्टी सेवन माइनस करेंगे सो so, टेन में से सेवन गया थ्री यहां पर बचेगा इलेवन इलेवन में से फाइव गया सिक्स सो इट इज गोइंग टू बी सिक्सटी थ्री एज द आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट इज फोर पी क्यू इन टू टू आर वेन पी इज इक्वल टू फाइव क्यू इज इक्वल टू थ्री एन आर इज इक्वल टू वन टू सो फोर पी की वैल्यू है फाइव क्यू की वैल्यू है थ्री इंटू टू इंटू वन बाय टू सो so, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टू से ये टू कैंसल हो गया फाइव फोर इज ट्वेंटी इंटू थ्री इज सिक्सटी सो योर आंसर इज सिक्सटी सेकेंड पार्ट y x अपॉन z वेन x इज इक्वल टू एट y इज इक्वल टू फोर एंड z इज इक्वल टू सिक्सटीन सो y की वैल्यू हमने पुट की फोर x की वैल्यू पुट की एट एंड डिवाइड बाय सिक्सटीन तो अब हम कैंसल भी कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लीकेशन डिविजन में एट 16 होता है फाइव प्लस सेवन माइनस टू अपॉन टू इन टू फाइव अब यहां पर हम कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर हमको प्लस माइनस करना है सो फाइव प्लस सेवन इज ट्वेल्व ट्वेल्व माइनस टू इज गोइंग टू बी टेन और टू इंटू फाइव हमारे पास है सो so ये कैंसिल हो जाएगा टू फाइव सा एंड फाइव वन सा सो आंसर इज वन नेक्स्ट वी हैव इफ ए इज इक्वल टू थ्री बी इज इक्वल टू जीरो सी इज इक्वल टू टू एंड डी इज इक्वल टू वन फाइंड दैल्यू ऑफ थ्री ए प्लस टू बी माइनस सिक्स सी प्लस फोर डी तो हम यहाँ पुट करेंगे वैल्यूज थ्री इंटू थ्री प्लस टू इंटू जीरो माइनस सिक्स इंटू टू प्लस फोर इंटू वन थ्री थ्री इज आर नाइन टू इन टू जीरो इज जीरो माइनस सिक्स टूज इज ट्वेल्व प्लस फोर नाइन प्लस जीरो इज गोइंग टू बी नाइन माइनस ट्वेल्व प्लस फोर सो अब हम यहाँ पर प्लस वाले टर्म्स एक साथ लिख लेते हैं एड करके नाइन प्लस फोर इज थर्टीन माइनस ट्वेल्व विल गिव थर्टीन माइनस ट्वेल्व इज वन नेक्स्ट वी हैव सिक्स ए माइनस थ्री बी माइनस फोर सी माइनस टू डी सो सिक्स इंटू थ्री माइनस थ्री इंटू जीरो माइनस फोर इंटू टू माइनस टू इंटू वन सिक्स थ्री जाइ इज एटीन माइनस जीरो माइनस फोर टू जाइज एट माइनस टू तो अब हम यहां देख सकते हैं ये हो जाएगा एटीन माइनस जीरो माइनस एट एंड माइनस टू ये सारे सेम साइन के हैं तो ये सारे एड हो जाएंगे एक साथ सो वील गेट माइनस टेन सो एटीन माइनस टेन इज गोइंग टू बी एट नेक्स्ट इज ए बी माइनस पी सी प्लस सी डी माइनस डी ए सो अब यहां पर हमको मल्टीप्लीकेशन करना होगा थ्री इंटू जीरो माइनस जीरो इंटू टू सी की वैल्यू है टू डी इंटू वन माइनस डी की वैल्यू वन ए की वैल्यू थ्री सो टू इन थ्री इंटू जीरो इज जीरो माइनस टू इंटू जीरो इज जीरो प्लस टू इंटू वन इज टू माइनस वन इंटू थ्री इज थ्री सो so, यहां पर तो ये सब जीरो हो गया इसको हम छोड़ देंगे तो प्लस टू माइनस थ्री सो बड़ा वैल्यू है माइनस का सो so, यहाँ माइनस साइन लगा देंगे टू माइनस थ्री इज गोइंग टू बी वन नेक्स्ट इज ए बी सी माइनस बी सी डी प्लस सी डी ए सो ए की वैल्यू थ्री बी की वैल्यू जीरो सी की वैल्यू टी माइनस टू माइनस बी की वैल्यू जीरो सी की वैल्यू टू डी की वैल्यू वन प्लस C की वैल्यू टू D की वैल्यू वन एंड A की वैल्यू थ्री सो so, जिसमें भी जीरो है जीरो का मल्टीप्लीकेशन तो जीरो ही होगा ये भी जीरो ही होगा टू वन 2 टू एंड टू थ्री 6. सो योर आंसर इज गोइंग टू बी सिक्स नेक्स्ट वी हैव ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर माइनस थ्री सी स्क्वायर सो यहां पर आ जाएगा थ्री का स्क्वायर प्लस टू इंटू जीरो का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू टू का स्क्वायर स्क्वायर का मतलब वही नंबर हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे सो थ्री थ्री इज इज नाइन माइनस सॉरी प्लस टू इंटू जीरो इज जीरो और यहां पर आ जाएगा माइनस थ्री इंटू टू का स्क्वायर टू टू फोर, सो नाइन ये जीरो के साथ हो होके नाइन ही रह जाएगा माइनस फोर थ्री इज़ ट्वेल्व अब हम देख सकते हैं इसमें ट्वेल्व बड़ा है तो निगेटिव साइन हम लगा देंगे क्योंकि इसके आगे निगेटिव साइन है एंड ट्वेल्व माइनस नाइन इज गोइंग टू बी थ्री सो माइनस थ्री इज दी आंसर नेक्स्ट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सो ए की वैल्यू है थ्री इसका स्क्वायर बी की वैल्यू है जीरो इसका स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू है टू इसका स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर सो थ्री का स्क्वायर मतलब थ्री थ्री जन प्लस जीरो माइनस टू टू ज फोर प्लस वन सो अब हमारे पास है नाइन माइनस फोर दैट इज फाइव और फाइव प्लस वन विल गिव सिक्स नेक्स्ट इज टू ए स्क्वायर माइनस थ्री बी स्क्वायर प्लस फोर सी स्क्वायर माइनस फाइव डी स्क्वायर सो यहां पर टू इंटू थ्री का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस फोर इंटू टू का स्क्वायर माइनस फाइव इंटू वन का स्क्वायर सो थ्री थ्री इज आ नाइन नाइन टू जटीन माइनस जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो टू टू 4 फोर फोर जिक्सटीन माइनस वन का स्क्वायर वन वन इंटू फाइव इज फाइव सो so, अब 18 प्लस सिक्सटीन माइनस फाइव आपको करना है सो so, 18 माइनस जीरो इज जीरो एंड 16 माइनस फाइव इज गोइंग टू बी प्लस इलेवन इसको हम ऐड करेंगे तो 29 हमारे पास आंसर आ जाएगा नेक्स्ट इज फाइंड दी वैल्यू ऑफ फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू वेन एक्स इज इक्वल टू टू अब हम यहाँ पर फाइव और ये हो जाएगा टू का स्क्वायर माइनस थ्री एक्स की वैल्यू है टू प्लस टू तो अब हम यहां पर टू का स्क्वायर करेंगे सो फाइव टू इंटू टू इज फोर माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस टू सो फाइव फोर 20, माइनस थ्री टू 6, प्लस टू अब ट्वेंटी माइनस सिक्स हो जाएगा हमारे पास 14 प्लस टू विल गिव सिक्सटीन एज द आंसर फाइन दी वैल्यू ऑफ थ्री एक्स क्यू माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्स वन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन थ्री इंटू माइनस वन का क्यूब माइनस फोर इंटू माइनस वन का स्क्वायर, प्लस फाइव इंटू माइनस वन माइनस सिक्स अब हम जब माइनस वन को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करें मतलब माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन सो माइनस 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 विल गेट माइनस वन थ्री टाइम्स माइनस माइनस प्लस और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस सो थ्री इंटू माइनस वन माइनस फोर इंटू यहां पर अब हम माइनस वन को माइनस वन को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वन हो जाएगा और प्लस माइनस विल गिव माइनस फाइव इन वन माइनस सिक्स सो दिस विल बी माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव एंड माइनस सिक्स तो सब माइनस के हो गए सेम साइन और सारी एड हो जाएंगी थ्री प्लस फोर इज सेवन सेवन प्लस फाइव इज ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस सिक्स इज गोइंग टू बी एटीन सो माइनस एटीन इज शो दैट दैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस एट एक्स स्क्स ट्वेल्व एक्स माइनस फाइव जीरो आपको शो करना है कि इसकी वैल्यू जीरो आएगी ओके सो एक्स क्यूब में हमने पुट किया वन का क्यूब माइनस एट इंटू वन का स्क्वायर प्लस ट्वेल्व इंटू वन माइनस फाइव सो वन का क्यूब तो हो गया वन माइनस एट प्लस ट्वेल्व माइनस फाइव सो यह आ गया माइनस सेवन प्लस ट्वेल्व माइनस फाइव अब हम यहां देख सकते हैं ट्वेल्व और माइनस सेवन या फिर हम ऐसा कर दें कि माइनस साइन वाले इकट्ठे एड कर देते हैं तो प्लस ट्वेल्व में से सेवन और फाइव का सम हो जाएगा माइनस ट्वेल्व माइनस का है ना इसलिए माइनस ट्वेल्व सो ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व इज जीरो सो हेंस प्रूफ नेक्स्ट वे नीड टू से ट्रू ऑफ फॉल्स The value of x plus five is equal to six when x is equal to one. So, तो हम यहाँ पर x की value put करके देखते हैं कि six आएगा कि नहीं तो so, हमने अगर one plus five लिखा x की जगह मैंने one लिख, लिख लिया है that means it is six. So your answer is true. Next is the value of two x minus three is one. So x की value हमें zero put करनी है तो so, यहाँ पर two into zero माइनस थ्री सो टू इंटू जीरो इज जीरो माइनस थ्री एंड जीरो माइनस थ्री इज माइनस थ्री लेकिन आपका यहां आंसर गिवन है वन, हैव टू एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन वेन एक्स इज इक्वल टू वन अब हम यहां पे x की वैल्यू वन पुट करेंगे सो so, यहां पर आ जाएगा टू माइनस फोर अपॉन टू सो माइनस टू अपॉन टू आ जाएगा माइनस वन हैंस द स्टेटमेंट इज ट्रू क्वेश्चन नंबर नाइन इफ एक्स इज इक्वल टू टू वाई इज इक्वल टू फाइव एंड जेड इज इक्वल टू फोर फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायेयर एक्स की वैल्यू है टू टू इंटू टू का स्क्वायर तो हम यहाँ लिखेंगे टू टू इंटू टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर ये टू कैंसिल सो वी हैव आंसर वन बाय फोर नेक्स्ट इज एक्स जेड अपॉन वाई जेड एक्स की वैल्यू है टू जेड की वैल्यू है फोर वाई की वैल्यू है फाइव जेड की वैल्यू अगेन फोर ये फोर से ये फोर कैंसिल सो टू अपॉन फाइव इज पावर एक्स जेड मतलब फोर इसकी पावर है टू मतलब फोर का स्क्वायर हो जाएगा सिक्सटीन फोर फोर जाइज सिक्सटीन Y की पावर x. y की वैल्यू है 5, x की वैल्यू है 2, सो so मतलब ये हो गया 5 का स्क्वायर फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव नेक्स्ट वी हैव एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई तो मतलब टू का स्क्वायर फाइव का स्क्वायर और फोर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू इंटू फाइव सो टू का स्क्वायर हो गया फोर फाइव का स्क्वायर हो गया ट्वेंटी फाइव और फोर का स्क्वायर हो गया सिक्सटीन अब हमको डिवाइड करना है टू इंटू फाइव के साथ सो ये फाइव फाइव सा कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा टू टाइम्स सो फाइव टू जेन एंड टेन इंटू सिक्सटीन मतलब टू फाइव और सिक्सटीन हमारे पास बचा फाइव टू जिस टेन टेन इंटू सिक्सटीन इज वन सो वन इज दंसर फाइव एक्स टू दावर फोर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर सो फाइव टू टू दावर फोर फाइव का स्क्वायर और फोर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू इंटू टू का स्क्वायर सो हमारे पास आ जाएगा फाइव इन टू टू की पावर फोर मतलब टू को हमें फोर टाइम्स मल्टीप्लाई करना है टू टू 4, फोर फोर टू 8, एट एट टू जाइज सिक्सटीन फाइव का हमें स्क्वायर करना है तो फाइव फाइव जाइज ट्वेंटी फाइव फोर का स्क्वायर करना है तो फोर फोर जाइज सिक्सटीन डिवाइडेड बाय टू इंटू टू टू ज फोर अब हम ये कैंसिल कर देंगे फोर टाइम्स फोर फोर जाइज सिक्सटीन और ये कैंसिल कर देंगे टू टाइम्स तो हमारे पास आ जाएगा फाइव टू जाइज टेन इं टू ट्वेंटी फाइव इन् टू सिक्सटीन सो दिस इज गोइंग टू बी फोर थाउजेंड ऑन मल्टीप्लीकेशन नेक्स्ट इज एक्स वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर अपॉन जेड सो एक्स की वैल्यू है टू वाई की वैल्यू है फाइव डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर मतलब फाइव का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय फोर सो टू इंटू फाइव फाइव इज ट्वेंटी फाइव इंटू फोर सो फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव टू जा ये चला गया तो हमारे पास आंसर आ गया वन बाय टेन नेक्स्ट वी हैव एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर एक्स और एक्स सो मतलब टू का स्क्वायर फाइव की पावर टू और x इज अगेन टू सो टू का स्क्वायर हो गया फोर फाइव का स्क्वायर हो गया ट्वेंटी फाइव और ये टू टू से ये टू टाइम्स कैंसिल सो टू इन टू ट्वेंटी फाइव इज फिफ्टी क्वेश्चन नंबर टेन इफ़ ए इज इक्वल टू थ्री फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एंड टू टू दावर ए तो अगर हम ए की वैल्यू थ्री लिखें और इसका स्क्वायर करें मतलब ए का स्क्वायर करना है हमको ए की वैल्यू है थ्री हमने ये पुट किया सो थ्री थ्री इज नाइन सो ए स्क्वायर की वैल्यू तो नाइन आ गई है अब टू की पावर ए लिखना है मतलब टू की पावर थ्री ओके सो यहाँ पर हम टू को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे सो वी गेट दिस एज एट क्वेश्चन नंबर इलेवन इफ एम इज इक्वल टू टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ फोर एम क्यूब एंड थ्री एम टू दावर फोर तो पहले हम फोर एम क्यूब निकाल देते हैं सो फोर एम की वैल्यू है टू इसका क्यूब सो फोर इंटू टू इंटू टू इंटू टू थ्री टाइम्स हम लिखेंगे टू टू ज़ा फोर फोर टू ज़ा एट एट फोर ज़ा इज़ थर्टी टू अब हमको निकालना है थ्री एम की पावर फोर सो थ्री एम इज़ टू जिसकी पावर है फोर सो थ्री इन टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू सो हम यहाँ पर लिखेंगे टू टू ज फोर फोर टू ज़ा एट एट टू ज़ा सिक्सटीन सिक्सटीन थ्री जिस फोर्टी एट अब हमको इनका डिफरेंस फाइंड करना है मतलब थ्री एम की पावर फोर में से फोर एम क्यूब हम माइनस कर देते हैं दैट इज फोर्टी एट माइनस थर्टी टू दैट इज सिक्सटीन आप करके देख लीजिए फोर्टी एट में से थर्टी टू माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा सिक्स सिक्सटीन सो सिक्सटीन इज दी आंसर सो हैंड दीज आर दी सोल्यूशन एंड आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन की है वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने डाउट्स एंड क्वाइरीज पूछ सकते हैं एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विथ यर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉर गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग